जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, आज मैं बहुत जोशीला वीडियो ये बनाने वाला हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है वीडियो बनाने में। तो मैंने चेयर इसलिए नहीं लेके आया कि मुझे पतंग घूम घूम के जरा सा दिखाना है, पतंग बहुत ज़्यादा है। मनीष भंडारी जी के ये जो वीडियो है, ये एक शॉप, मनीष भंडारी जी का एक पतंग का दुकान है जयपुर में। जयपुर में बहुत दिन बाद ये मेरा पतंग जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पतंगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है, हज़ारों का तादाद में इन्होंने बोला था, लेकिन कुछ कम हुई है। और इन्होंने कहा कि ये पतंग का पार्सल जाने के बाद वासे भाई फिर 2 महीना बाद कम से कम 2,000 पतंग के लगभग मेरा कंप्लीट करना। तो चलो भाई, इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पतंग, जो कि सबसे पहले इस बार मैं शुरू करूँगा शकील अंसारी की। शकील अंसारी मेरा यार, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा भाई, ये सब पतंग मेरा अपना कलेक्शन का था, लेकिन पैसों का भी थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है। तो ये देखिए, शकील अंसारी भाई का मेरा पतंग, ये मेरा घर की खेत है भाई साहब। हाँ, मेरे मरने के बाद भी किसी दुकानदार को नहीं मिल सकता है, बात यही है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कहा है कि भाई कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर सेल करना, और उड़ाने वालों को देना, किसी दुकानदार को मत देना। तो उन्होंने कहा वासिफ भाई सही है, लेकिन ये शायद पतंग बना के सेल नहीं करेगा, ये मेरा गुमान है, क्योंकि मेरे ही बोले में मैंने तो समझ लीजिए बहुत ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ 5-6 पतंग दिया था, जिसके बिना पे मैं भेज रहा हूँ। जो पतंग ये सब देखिए, सब पिछले साल की मेरी तैयार हुई हुई है, ठीक है। गजब गजब है भाई, जयपुर वाले जो देख रहे हो ये सब ले लो। ये सब एक एक पतंग अगर आपको मनीष भाई ने 250-300 रुपये भी है, लेके फ्रेम बना के रख लीजिए अपने अपने जो महल महलों में, या आप लोग बड़े बड़े फ्लैट में रहते हो या अपने मकान में रहते हो, ज़्यादातर सब सजा के रखना। आप लोग का तो सब हेरिटेज मकान ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए, अभी देखे गया शकील अंसारी, ये सिर्फ और ये सिर्फ 4 पतंग बना के देखे, जिसके बिना पे ये स्टिकर है। और ये स्टिकर होने के कारण भी आपको मैं बताऊं, आप देखिए ये पुराना लगा हुआ है, ये 2 साल 3 साल पहले का है। और ये पेपर जो है पाकिस्तान से आया हुआ था, ये वो पेपर है भाई साहब, मेरे एक दोस्त ने भेजा था। तो ये देखिए, आपका जाके शकील अंसारी की, ये भी पुरानी पतंगे हैं, ये कोई नई नहीं है, सब गजब गजब पतंगे हैं, ठीक है। देखिए इसमें स्टिकर लगाना भुला गया मेरा, लगा दूंगा अभी मैं, ठीक है। ये भी देखिए पुरानी पतंगे हैं, ये हम लोगों का आपका जाके बीकानेर जयपुर में लड़ाने के लिए शकील अंसारी ने बना के दिया था। ये ऊपर वाला पेपर पाकिस्तानी है, ये आपका खातिमा 5 किलो है, ये कलर पूरा हिंदुस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये मेरा 8 साल पुराना पेपर है। और ये पदम जी है, ये पदम जी है, मेरा सारा पतंग सब पदम जी है। ये आपका जर्मन पेपर है भाई, ओरिजिनल जर्मन पेपर है ये 3 पतंग जो है ना, ये ओरिजिनल जर्मन पेपर का है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपका जाके मेरा ये वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों सबको बहुत ही अच्छी लगेगी, और बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब मैं दिखाऊंगा, ये मेरे उड़ाने के लिए थी भोला उस्ताद की, पिछले साल की। भोला उस्ताद भाई 4 महीना बाद पतंग देते हैं, तो मैंने अपनी उड़ाने के लिए रखा था। सो मैं मनीष भंडारी जी को दे रहा हूँ, ताकि उनका भी जो है 4 चांद लग जाए जयपुर में, मजा आ जाए बिल्कुल, है ना। एक पर एक पतंग है इसकी, पतंग भाई साहब अगर कोई एक उड़ा लिया तो समझ लिए हिरन का मांस खा लिया, ऐसा है, ठीक है। और ये जिक्को दादा की पतंगे हैं, एक पर एक डिजाइन है देखिए, और गांठदार में भी है ये। हर पतंग गांठदार में नहीं है जीकोदा का, लेकिन ये गांठदार में है, ठीक है। और क्या डिजाइन है, ये मांगदार है, ठीक है। राजीव की मैं बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं दे पाया, क्योंकि राजीव अभी तक आए नहीं है इन कुछ दिनों में, और मुझे आपको पतंग देना था, तो ये पतंग मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी लेकिन है गांठदार में, सब सब गांठ कमान में, ये देखिए गांठ कमान में। आज सब पदम जी का कागज मांगदार लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पतंगे हैं सब, आप लोग देख सकते हो, घंटा छोभी से बहुत, ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पतंगे हैं सब। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं
चिंटू क्राफ्ट की पतंगे, बहुत बेहतरीन कारीगर है। क्राफ्ट तो, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है आजकल जानता नहीं है, लेकिन दो चार बच्चे कारीगर अभी नए आए हैं तो वो क्राफ्ट लगाना चालू कर दिया। खैर, इसके बारे में कंट्रोवर्सी मुझे करना नहीं है। क्राफ्ट के मतलब मैं बता सकता हूँ, क्राफ्ट के मतलब जो है आपका जैसे हाई फिनिशिंग वाला मीनाकारी, ठीक है। ये है। अब मैं दिखाऊं से कसगर नवाब जी की, मैं आखिरी में दिखाऊंगा क्योंकि बहुत खूबसूरत खूबसूरत उसके अंदर पतंगे हैं। ये उस्ताद विलियम जी की है, जो कि मैं बहुत डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बढ़ जाएगा आपका जाके ये। इनके एक चौका पतंग बहुत प्यारा है, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं दिखाऊंगा आपका जाके विद्युत की पतंगे। ये देखिए, विद्युत हमारा ओरम का पिछला साल का कारीगर है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मैंने इसको बड़े बड़े उस्तादों का सामना करवा सकता हूँ। अगर कोई सामना में आ सकता है तो खुलेआम आ सकता है। वैसा ये बच्चा है, लेकिन चैलेंज हमारी है, हिम्मत हमारी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, बेहद खूबसूरत, ठीक है। और सब गांठदार में बनाया, बच्चा है बेचारा भाई, 22 साल का बच्चा है, जान लीजिए। किसी भी शहर का बड़े कारीगर को सामना कर सकता है भाई साहब, ठीक है। ये बात हिंदुस्तान के हर उस्तादों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने ये तैयार कर रहा हूँ, लेकिन दो चार जो खुद ही उस्ताद नहीं है, लेकिन वो भी खुद नया कारीगर है, लेकिन ये बात बोलने में वो नाराज होते हैं, ठीक है। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, हम उस्ताद अगर मेरे सामने कुछ बच्चे कारीगर उस्ताद बनते हुए देखे तो वो हमारे को इसलिए अच्छी लगती है कि हमारे जाने के बाद ये सब कारीगर रह जाएंगे और हमारा ट्रेडिशन बाकी रहेगा, ठीक है। और बहुत ही शानदार शानदार पतंग बना के रखे हुए हैं और सब गांठदार में है, ठीक है। अब मैं जरा सा आऊंगा इधर, देखिए, ठीक है। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ शेख असगर नवाब जी की पतंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कलरफुल पतंगे हैं। ये देखिए, इसका शैडो देखिए कितनी खूबसूरत है, छवि नहीं दबा रो। देखिए, एक तरफ येलो है, एक तरफ जो है आपका ग्रीन है, ठीक है। ये भी सेम है, ये पिंक मांगदार है, ठीक है ना। ये देखिए, पिंक मांगदार है, ग्रीन मांगदार है, ठीक है। यार तुम बुरी दिखता, ठीक है। इसकी सफाई देखिए भाई साहब, आप लोग, ये मैंने रखा और ये वीडियो इसके ऊपर आ रही है, आप लोग इसका सफाई देखा बाबू, ठीक है। कितनी साफ सुथरी पतंगे हैं देखिए, और सबसे बड़ी बात है जितनी साफ है लड़त भी इसकी उतनी ही साफ है। अगर ये पतंग आप लोग 2-3 महीना रखते हो, सबसे बड़ी बात है, मेरा ये चीज अभी बहुत लोग दिखा रहा हूँ, सबका भला हो जाए, भारी कमान है, लेकिन पतंग अभी का अभी उड़ेगा, ये देखो, ठीक है। और ढड्डे के नोकीलीपन देखो आप, बहुत शानदार पतंगे हैं सब, ये सूफी चपरास है, जो ये आप लोग सूफी तिरंगा बोलते हो इसे, हम लोग तो सूफी चपरास बोलते हैं। ये सूफी परी है, कितने खूबसूरत परी है देखो आप लोग, बिल्कुल ब्यूटीफुल। अभी पूरा पतंग दिखाने में आ नहीं सक रहा हूं मैं, आप शॉर्ट आउट कर रहा हूं। अब ये पिंक कलर की परी है, तरह तरह की कलर की परी है, और पतंग भी वैसा ही है, बिल्कुल दीवाना करने वाली। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस्ताद पौडीज की पतंगे, धवज फर्मा। आप लोगों को मैं बताता हूं ना, धवज फर्मा की पत्ते देखिए मेरे पंजे से बड़ा है, और सबके जितने भी पतंग मैंने देखा है जो डिजाइन कागज लगा हुआ है वो सब पदम जी है, स्पेशल पदम जी। यूनिक्स, ब्यूटीफुल यूनिक्स पूरा,
ये पान मार आगदार बोला जाता है, इस डिजाइन को बोला जाता है पान मार आगदार। इसका लोगे फोटो ले लो। और भी बहुत डिजाइने हैं, दिखाना और मुनासिब नहीं है, और वीडियो को मैं छोटा करूंगा, बहुत लेंदी हो रहा है और रात भी बहुत हो रही है, थकान हो रही है। ये कुछ अद्धी मैंने दिया, ये पिंटू सिंह की है भाई साहब, आप लोग देख सकते हो, एक पर एक सफाई वाली पतंग इसके अंदर है। मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए, और कुछ लाल पतंग में भी है। ये देखिए, ये लाल भी अजंता ही है। ठीक है, अब मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग देख रहे हो पतंग किस हिसाब से तैयारी ली जा रही है, और मेरे खिलाफ हो सकता है कुछ दुकानदार अभी तैयार हो रहे हैं जो कलकत्ता शहर में भी है और प्रदेश में भी है, भड़काने की कोशिश करें, उससे सावधान रहे, सतर्क रहें। और हमारा यहाँ पर बहुत ट्रस्टी फोरम है, हमारा पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले फोरम बनाने वाला जो फंक्शन है वो मैंने तैयार किया था। पहले दुकानदारी होती थी, सामान खरीद के सामान बेचो, लेकिन फोरम जो बनाना था वो क्या होता है, मेकिंग करना और पूरा मेकिंग का एक फोरम बनाना, ठीक है, वो नहीं था। ठीक है, जैसे बड़े बड़े कारीगर को लेना, उसके पास अपना रखना, फिर उसका पूरा ख्याल रखो और ह्यूज पैसा खर्चा है, प्रॉफिट तो भाड़ में गया, ठीक है, इसको चलाने में समझ लीजिए जो हालत खराब होती है वो इतनी आसान नहीं है। ठीक है, दौलत बिक जाती है भाई, हाँ कभी कोई करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, बड़े बड़े बात कलकत्ता के कुछ मेरे छोटे भाई लोग बोल रहे हैं या बड़े भाई लोग बोल रहे हैं, हालांकि 90% सब दोस्त है, लेकिन ऐसा कुछ बोल चाल हो रहे हैं, इसके लिए भाई आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और बिल्कुल भरोसा का लायक है। और मैं परसों से काम कर रहा हूँ, 17 साल से काम कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई बैड रेपुटेशन मेरा है नहीं, ना हो सकता है भाई साहब। ठीक है भाई, दुआ में आप लोग याद रखिए, जय हिंद जय भारत।